यहां पर अगर हम डोमेन की बात करें, डोमेन क्या होता है? एलिमेंट्स ऑफ ए, जहां से आपको इनपुट लेते हैं ना, वो वाला सेट, यानी कि आपका डोमेन ही है, 1 2 3, यानी पूरा का पूरा ए सेट आपका डोमेन है। कोडोमेन आपका क्या है? जहां से आपने आउटपुट लिया है, एलिमेंट्स ऑफ बी, जहां से आपको आउटपुट मिलेगा, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, सब, 6, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 20 है, फिर 16 है, ये आपका पूरा कोडोमेन हो गया। रेंज क्या हुआ? एक्चुअल आउटपुट, यूज्ड एलिमेंट्स ऑफ ए, नो, यूज्ड एलिमेंट्स ऑफ बी। तो बी के कौन कौन से एलिमेंट यूज हो गए? वो 1 यूज हो गया, 4 यूज हो गया, 9 यूज हो गया, 16, ये आपका कोडोम, आपका रेंज हो गया, ये सही है ना। तो जो एक्चुअल आउटपुट क्या था, 1 4 9, ये तो आए ही नहीं, लेकिन यहीं से मुझे आउटपुट लेना था, ठीक है। अब आता है यहां पर, अब यहां से आएगा आपको, हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो कभी कभी क्या होता है ना, आपको डोमेन निकालना होता है, कभी कभी मैक्सिमम टाइम पर दिया रहेगा, कभी कभी निकालना होगा, ठीक है ना। तो हमारे को देखो बेसिकली दो चीजों का ध्यान रखना होता है बस, पहले, अभी धीरे धीरे इस लेवल पे हम लोगों को दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरह का हो, कोई भी फंक्शन इस तरह का हो कि जिसमें एक न्यूमरेटर हो और एक डिनोमिनेटर हो, मतलब रैशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं इनको, है कि नहीं, रैशनल एक्सप्रेशन या रैशनल फंक्शन भी बोल सकते हो आप। इनका डोमेन के लिए आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि डिनोमिनेटर 0 ना हो, बस, और कोई चेक नहीं है। आपका जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 ना हो, बस। अच्छा, डिनोमिनेटर 0 होगा तो क्या होगा? अरे मैं आपका जो सर अनडिफाइंड हो जाएगा सर हाँ, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये एक पहला देखना पड़ता है। दूसरा, अगर आपका एक्सप्रेशन इस टाइप का हो, अंडर रूट के अंदर कुछ हो, मान लो अंडर रूट के अंदर आपका के हो, मान लो कुछ भी हो, मान लो के कुछ भी हो सकता है, तो इसमें आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि जो अंडर रूट के अंदर जो भी आपका एक्सप्रेशन है के, ये पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं चलेगा। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं, आपका एल्जेब्रिक फंक्शन का डोमेन निकल आता है, ये एल्जेब्रिक फंक्शंस के लिए है, ठीक है ना। इसी तरह से फिर आप ट्रिग्नोमेट्री के लिए निकालोगे, फिर इसी तरह से आप आगे लॉगरिदमिक या जो भी होगा सब अलग निकालोगे। तो मैं एल्जेब्रिक के लिए बता रहा हूं आपको पहले। देखो मैं दो चार एग्जांपल करूंगा, आप भी साथ में करना। जैसे मान लो ये आपका क्वेश्चन, ये पूछेगा वो इस तरह से पूछेगा कि फाइंड द डोमेन ऑफ, ऐसे एफ एक्स देगा, यहां पर ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स से, और यहां वो एक्सप्रेशन ऐसे दे देगा, मान लो x-1/(x²-3x+2) ऐसे दे देगा ये, ठीक है ना। अब आपने देखा कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो एल्जेब्रिक है, इस पे एक न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन है और एक डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है, तो रैशनल एक्सप्रेशन हो गया। अगर रैशनल एक्सप्रेशन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में हो तो क्या चेक करते हैं? केवल डिनोमिनेटर को चेक करते हैं कि आपका जो x²-3x+2 डिनोमिनेटर है,
वो जीरो ना होने पाए बस किसी भी हालत में। तो इसको इनइक्वालिटी, ये आपका इसको अगर मैं ऐसे फैक्टराइज कर दूं, ये हो जाएगा x माइनस टू एक्स माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां से x की वैल्यू नॉट इक्वल टू टू एंड वन, यानी कि वन और टू नहीं हो सकती। तो आपका जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन इज रियल नंबर x बिलोंग्स टू, मतलब डोमेन मतलब इनपुट, x बिलोंग्स टू, आपका जो इनपुट होगा x वो ऑल रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन इन दोनों को छोड़ के, वन और टू को छोड़ के। सही है कि नहीं, कि वन और टू में आपका एक्सप्रेशन, तो उसको आंसर ऐसे लिखोगे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन एंड टू, माइनस करके दो एलिमेंट्स को आपने हटा दिया। यानी ये पूरी आपका डोमेन एक्चुअली होता है, एक्स एक्सिस आपका डोमेन होता है। मतलब देखो अगर फिगर में देखो, ये आपकी एक्स एक्सिस है, पूरी डोमेन आपकी एक्स एक्सिस होती है, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक सब कुछ आपके डोमेन में होता है, एक्सेप्ट वो पॉइंट्स जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं फंक्शन को डिफाइन करने में। तो इसमें और कोई नंबर नहीं, केवल एक वन प्रॉब्लम कर रहा था, वन को हटा दो, टू प्रॉब्लम कर रहा था, वन को हटा दो, तो सारी नंबर लाइन में से ये दो पॉइंट्स हटा दिए। तो देयरफॉर डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ऑल एक्स एक्सिस माइनस दिस टू प्रॉब्लम्स क्रिएटिंग पॉइंट्स, ये आपका डोमेन ऐसे लिखा जाता है। क्लियर है? यानी न्यूमरेटर को तो देखना भी नहीं है। yes. ठीक है ना, एक और देखते हैं। एक और देखा जाए, क्वेश्चन टू, सेम फाइंड द डोमेन ऑफ, आपका फंक्शन है x की पावर 50 प्लस 17 x की पावर 19 प्लस 12 x की पावर 3 माइनस 6x प्लस 81 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस 1। ये है देखो आपका एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में देखो, आप आपका एक्सप्रेशन किस टाइप का है, आपका फंक्शन किस टाइप का है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। इसमें एक न्यूमरेटर है जिसको देखना ही नहीं है, है कि नहीं? ये आपके न्यूमरेटर को से आपको कोई मतलब ही नहीं है, आपको केवल डिनोमिनेटर से मतलब है बस। सही है कि नहीं? तो और मतलब भी क्या है, जो भी डिनोमिनेटर में आपका है x क्यूब माइनस वन, वो जीरो ना होने पाए, ठीक है ना? डिनोमिनेटर में जो आपका है x क्यूब माइनस वन, वो जीरो ना होने पाए। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये ऐसा कुछ बन जाता है फैक्टराइज करके। सॉल्व करेंगे तो x यहां नॉट इक्वल टू वन, बस एक नंबर, यहां से कोई रियल रूट्स नहीं आ रहा है, तो ये केवल वन को प्रॉब्लम है। देयरफोर आपका जो डोमेन बनेगा वो बनेगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, कुछ भी ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल वन पे प्रॉब्लम है, वन को हटा देते हैं, ये आपका देखो डोमेन। आसान है? यस सर। अब अगला देखो, एक ये देते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ अब ये अंडररूट वाला लेता हूं इस बार, एक्स स्क्वायर
माइनस सिक्स एक्स प्लस एट। सही है। तो इस बार जो प्रॉब्लम है वो डिनोमिनेटर की प्रॉब्लम नहीं है, इस बार डिनोमिनेटर एक्सप्रेशन आपका न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं है, इस बार अंडररूट फॉर्म में है। और अंडररूट की क्या प्रॉब्लम होती है कि अंडररूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन हो उसको पॉजिटिव होना चाहिए, बस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अंडररूट पे नेगेटिव अलाउड नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा, है ना। देखो इनइक्वालिटी बन गई, मैंने पिछले क्लास में आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना बताया है कि नहीं। तो इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके फैक्टराइज कर दूं, एक्स माइनस फोर एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, और इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, नंबर लाइन, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, इधर एक रूट आया टू, इधर एक रूट आया फोर, साइन चेक कर लेते हैं इस एक्सप्रेशन का, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव चाहिए। तो ये वाला और ये वाला पॉजिटिव है इंटरवल, तो वो पॉजिटिव इंटरवल मुझे चाहिए। तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर टू तक, यूनियन फोर से लेकर इंफिनिटी तक, मुझे सब कुछ चाहिए। ये बीच का जो रीजन है ये नहीं चाहिए क्योंकि ये नेगेटिव दे रहा है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है इसलिए ये टू को भी लेना पड़ेगा, फोर को भी लेना पड़ेगा, यहां मैंने ले लिया। ये आपका देखो आंसर, सही है भाई, कोई डाउट इसमें? अंडररूट, अंडररूट के अंदर जो कुछ भी होगा जैसा भी होगा उसको पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसा लेता हूं, इस बार मिक्स करके लेता हूं। फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, ऐसे अंडर रूट लिया है, इधर एक्स माइनस वन, इधर एक्स प्लस थ्री, ये देखिए अंडर रूट भी है डिनोमिनेटर भी है, क्या करेंगे सर? डिनोमिनेटर में अंडर रूट है ना सर? दोनों में ऊपर भी अंडर रूट है, नीचे भी अंडर रूट, मतलब पूरे पे अंडर रूट है। तो अंडर रूट की क्या प्रॉब्लम है भाई? अंडर रूट की प्रॉब्लम को पहले सुधारेंगे। ये जो अंडर रूट के अंदर जो कुछ भी है पूरा का पूरा आपका पॉजिटिव होना चाहिए, और जो डिनोमिनेटर है उसको जीरो नहीं होना चाहिए। भैया डिनोमिनेटर का भी प्रॉब्लम आएगी ना यहां पर। ये वाली जो प्रॉब्लम है ये तो आपको पता है नंबर लाइन से सॉल्व होगी, नंबर लाइन से सॉल्व होगी। तो नंबर लाइन पे एक तो माइनस थ्री मिलेगा और ऊपर से वन मिलेगा, इक्वल टू साइन लगा हुआ है तो वन को तो लेना पड़ेगा, माइनस थ्री को नहीं लेना पड़ेगा। और ये साइन चेक कर लो, वन के आगे प्लस, फिर इधर माइनस, इधर प्लस, मुझे प्लस चाहिए ये आपका। और ये कह रहा है कि भैया ऐसा है किसी भी हालत में माइनस थ्री को मत लेना, माइनस थ्री को लेने से मना कर रहा है। मैंने यहां पर पहले हटा दिया माइनस थ्री, तो देयर फोर एक्स बिलोंग्स टू, ये नंबर लाइन किसकी थी? एक्स एक्सिस की थी, मतलब प्लस वाले मुझे चाहिए, माइनस वाला मुझे नहीं चाहिए। तो देखो ध्यान से देखना, माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस थ्री तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थ्री मत लेना यूनियन, लेकिन वन को ले सकते हो इंफिनिटी तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका आंसर आ गया। ये देखो दोनों प्रॉब्लम मैंने कंसीडर करी है, सही है? यस सर, यस सर, यस सर। एक एक ऐसा देखता हूं जिसमें आधा अंडररूट आधा अंडररूट नहीं, ठीक है? जैसे ये है, फाइंड द डोमेन ऑफ
एफ एक्स इक्वल टू ऐसा लेता हूं, ऊपर में अंडर रूट ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, और नीचे ले लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 81, ये ले लेता हूं। देखो अब इस एक्सप्रेशन में आप गौर से देखो, अंडर रूट की प्रॉब्लम भी है और डिनोमिनेटर की प्रॉब्लम भी है, दोनों प्रॉब्लम को आपको सुधारना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। तो पहले तो अंडर रूट की प्रॉब्लम, अंडर रूट केवल न्यूमरेटर में है, तो बिकॉज ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व को एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व को पॉजिटिव होना चाहिए, और ये जो एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर है इस पर अंडर रूट नहीं है, तो इसको पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, इसको केवल जीरो से प्रॉब्लम है, जीरो नहीं होना चाहिए। ये तो इनइक्वालिटी है, नंबर लाइन पे सॉल्व होगी, चार तीन बारह, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, ये कह रहा है इसका नंबर लाइन बनाया जाए एक्स एक्सिस, एक पॉइंट इसका थ्री है, एक पॉइंट इसका फोर है, दोनों के दोनों को लेना पड़ेगा, इक्वल टू लगा हुआ है, और ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, मुझे प्लस से मतलब है, माइनस से मतलब नहीं है, ये प्लस बोल रहा है ना, ये ग्रेटर देन जीरो मतलब प्लस, और ये कह रहा है कि भैया आप किसी भी हालत में एक्स इक्वल टू प्लस नाइन को और माइनस नाइन को नहीं ले सकते, ये दो वैल्यूज को आपको लेना नहीं है। तो इस नंबर लाइन में से आप क्या करो, ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से थ्री ले लो, और फोर से लेकर इंफिनिटी भी ले लो, लेकिन दो ऐसे नंबर हैं माइनस नाइन और प्लस नाइन, उनको कर्ली ब्रैकेट्स में लेके उनको माइनस कर दो, ये आपका आंसर हो गया, सही है। ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते हो, देखो तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक पॉइंट क्रॉस कर देते हैं माइनस नाइन को, और यहां पर एक पॉइंट क्रॉस कर देते हैं प्लस नाइन को, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से नाइन तक ले लो, उसके बाद नाइन से लेकर थ्री तक ले लो, उसके बाद फोर से लेकर नाइन तक ले लो, फोर को लेना है नाइन नहीं लेना है, और फिर नाइन से लेकर इंफिनिटी तक ले लो, इसको नाइन को नहीं लेना है, क्रॉस किया हुआ है, ये आपका आंसर, दोनों ये भी ठीक है ये भी ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो सर, जो स्क्वायर रूट वाला एक्सप्रेशन है सर, उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 81 नीचे क्यों नहीं लिया गया, केवल न्यूमरेटर वाला क्यों देखा गया? अंडर रूट तो केवल न्यूमरेटर में है ना, मुझे केवल अंडर रूट की प्रॉब्लम को दूर करना था, पिछले वाले में देखो अंडर रूट दोनों में था, हैं? जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें अंडर रूट दोनों में, तो दोनों लेना पड़ा, इस बार अंडर रूट केवल न्यूमरेटर में था सर, ऊपर न्यूमरेटर में, तो केवल अंडर रूट की प्रॉब्लम जहां पर है वहीं दूर करेंगे। अब देखो ना एक एक्सप्रेशन में आपको और दिखाता हूँ, देखो अभी टाइम है हमारे पास 2 मिनट का, एक एक्सप्रेशन और देख लो आप, फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन प्लस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन, ये देखो ये देखो। अब यहां प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, गौर से देखो इस एक्सप्रेशन को,
प्रॉब्लम कौन, प्रॉब्लम किस चीज की होती है? प्रॉब्लम दो ही चीजों की होती है भैया, या तो अंडर रूट को देखो या डिनोमिनेटर को देखो। यस सर, ये इस पे कोई प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ना इस पे अंडर रूट है ना इस पे डिनोमिनेटर है, ये पूरे एक्सप्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन पे भी केवल इस डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम है, तो बस आपको इस प्रॉब्लम को देखना है कि जो एक्स माइनस वन है उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। यहाँ जीरो नहीं ले रहा हूँ, क्यों नहीं ले रहा हूँ बता सकता है कोई? सर डिनोमिनेटर में जीरो लेंगे नहीं, नहीं और... लेंगे। तो ये एक्स ग्रेटर देन वन, इसका मतलब ये है कि आपका जो डोमेन है वन से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए, हाँ देखो अब मैं क्या करता हूं, देखो इसका फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू टू अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस थ्री अंडर रूट वन माइनस सेवन एक्स। ऐसा है सर, ये सेवेंथ क्वेश्चन है, सेवेंथ है, चलिए ठीक है भाई। अब देखो यहां पर आप देख रहे हो दो अंडर रूट है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन पे लगे हुए हैं। अब दोनों की प्रॉब्लम दूर करनी पड़ेगी आपको, ये अंडर रूट जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है पहले उसको हटाओ, ये अंडर रूट जो प्रॉब्लम कर रहा है उसको हटाओ, दोनों अंडर रूट को आपने हटाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर आपके पास है नहीं तो डिनोमिनेटर वाली टेंशन आपको लेनी नहीं है, केवल अंडर रूट की प्रॉब्लम लेनी है। पहली प्रॉब्लम इसकी देखते हैं, इसकी प्रॉब्लम कैसे दूर होगी, जो आपका अंडर रूट का जो अंदर जो टर्म होगा वो पॉजिटिव होगा, एंड दूसरे वाले अंडर रूट की प्रॉब्लम कैसे दूर होगी, जो वन माइनस सेवन एक्स होगा इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है ना, दोनों को एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, दोनों को एक साथ सॉल्व करना पड़ेगा। ये कह रहा है कि एक्स आपका वन से बड़ा होना चाहिए, और ये कह रहा है आपका जो माइनस सेवन एक्स है वो माइनस वन से बड़ा होना चाहिए, और एक्स आपका लेस देन होना चाहिए वन बाई सेवन। ये समझ में आया आपको, जरा बताना जरा ये मैंने इनइक्वालिटी पलट क्यों दी। यस सर, आ गया क्योंकि सर माइनस साइन का, सर हां ठीक है ना, चाहिए माइनस साइन कॉमन देख, नंबर लाइन आपको देखो जहां पर भी कंफ्यूजन हो कैसे लिखूं, नंबर लाइन बताएगा कैसे लिखना है। ये कह रहा है वन से बड़ा x greater than 1 सर, नल सेट आएगा हैं, ये कह रहा है 1 से बड़ा, और ये कह रहा है 1 by 7 से छोटा, कोई कॉमन आ रहा है इसमें? नो सर, नो कॉमन, तो देयरफॉर x belongs to नल सेट, इसके डोमेन में कुछ भी नहीं है। जब आप इसको पॉजिटिव करने की कोशिश करते हो, जब आप इसको पॉजिटिव करने की कोशिश करते हो तो ये नेगेटिव हो जाता है, ये प्रॉब्लम करता है। जब आप इसको पॉजिटिव करने की कोशिश करते हो तो ये नेगेटिव हो जाता है, ये प्रॉब्लम करता है। हम दोनों की प्रॉब्लम को दूर कर ही नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका आंसर, इसका डोमेन नल सेट हो गया, सही है। चलिए अब ऐसा देता हूं, ये देखिए ऐसा भी हो सकता है कि डोमेन हो ही ना, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू सिक्स टाइम्स एक्स माइनस टू प्लस फाइव अपॉन अंडर रूट ऑफ सेवन माइनस एक्स। क्या फर्क पड़ता है,
अंडर रूट, मेरे पास एक अंडर रूट ये रहा, एक अंडर रूट ये रहा, इसकी प्रॉब्लम देखनी है, फिर इसकी प्रॉब्लम देखनी है। अच्छा ये अंडर रूट ये वाला जो है ये डिनोमिनेटर में भी है, इसलिए इसमें दो प्रॉब्लम देखनी पड़ेंगी एक साथ, तो कोई प्रॉब्लम बात नहीं देख लेंगे। ये वाला है जो x माइनस टू है, इसको पॉजिटिव होना चाहिए, एंड ये जो 7 माइनस एक्स है इसको पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन इक्वल टू नहीं ले सकते, यहां इक्वल टू ले सकते हैं क्योंकि न्यूमरेटर में था, यहां इक्वल टू नहीं लेना, बस हो गया काम, डिनोमिनेटर की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। यहां से ये आ रहा है x ग्रेटर देन 2 और यहां से ये आ रहा है माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 7, x लेस देन 7, ये बोल रहा है 7 से छोटा लेना है, ये कह रहा है 2 से बड़ा लेना, देखें कुछ आ रहा है कॉमन, 2 को लेना है, 2 देखो ग्रेटर देन मतलब राइट साइड, लेस देन मतलब लेफ्ट साइड, और ये कह रहा है 7, 7 को लेकिन नहीं लेना है और इसके लेफ्ट वालों को लेना है, आया कुछ कॉमन? सर 2 से लेकर 6, 2 से और 6 तक 7, 2 को लेना पड़ेगा, 7 को नहीं लेना पड़ेगा, ये आपका आंसर है। मेरे ख्याल से सारे प्रॉब्लम्स हो गए, रूट अलग अलग, अंडर रूट हो गया अलग अलग, हो गया एक साथ वाले हो गए, न्यूमरेटर में अलग हो गया, डिनोमिनेटर में अलग हो गया, है ना? आपको बताऊंगा मैं हाउ टू फाइंड रेंज, रेंज ऑफ फंक्शंस। अच्छा अब ये जो रेंज होता है ना निकालना, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं जो अभी हम नहीं कर पाएंगे, 12th में कर पाएंगे, कैलकुलस का इस्तेमाल करके बाद में हम कर पाएंगे 12th में, तो अभी जो बेसिक फंक्शंस के लिए जो बेसिक लगता है, ठीक है ना, वही मैं आपको बता दूंगा जो आपके स्कूल में भी आएगा अभी, बाकी ये 12th का टॉपिक है बेसिक, रेंज निकालना। तो हम दो टाइप का निकालेंगे फंक्शन, मैं आपको दो ही टाइप का बताऊंगा, एक लीनियर फंक्शन का बताऊंगा आपको और दूसरा आपको क्वाड्रेटिक का बताऊंगा, बस क्यूबिक क्यूबिक का आप अभी नहीं निकालोगे, तो लीनियर और क्वाड्रेटिक, एलजेब्रिक कम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो जैसे मान लो मैं क्वेश्चन फॉर्म में बताता हूं आपको, एक सिंपल से शुरू करूं, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5, fx इक्वल टू 3x माइनस 5, लीनियर फंक्शन, ठीक है ना? तो इसको रेंज निकालने के लिए आपने क्या करना है, कुछ स्टेप्स होंगे। सबसे पहले आप क्या कर दो, रिप्लेस fx by y, fx की जगह y लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, लिखते ही हैं, कहीं y लिखते हैं कहीं fx लिखते हैं, तो y equal to 3x minus 5, फिर इसको रीअरेंज कर दो, रीअरेंज करना है कि x को रखना है एक तरफ, तो ये हो गया y plus 5 by 3 equal to x, अब ये बन गया आपका x is a function of y, उल्टा हो गया देखो, इसको उल्टा कर, इनवर्स कर देना है, मतलब बेसिकली ये क्या था, ये y is a function of x था, मैंने x is a function of y कर दिया। अब यहां पर हम x के लिए देखते थे कि ये कब नॉट डिफाइंड होगा, अब y के लिए देखेंगे,
ठीक है ना, और वही सेम चीज अंडर रूट है नहीं, x इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, ऑल वैल्यूज ऑफ y, देयरफॉर y बिलोंग्स टू रियल, ये आपकी रेंज होगी, y एक्सेस, रेंज कहां मिलता है, y एक्सेस में मिलता है, ये y बिलोंग्स टू r, ये एक मेथड है, एक मेथड देखो, हाँ बताइए सर, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। अरे यार वो माइक पे गिर गया लग रहा है। हाँ बताओ। हाँ सर अब सही, अब सही आ रही है सर। अरे वो माइक गिर गया था। अब सही आ रही है सर। हाँ समझ में आई बात, जो यहाँ पर हम x के लिए करते थे ना कि x पे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए अंडर रूट, वही आप उल्टा करेंगे, आप y के लिए करेंगे और रेंज आपको y एक्सिस में मिलती है। एक मेथड ये है। अच्छा एक मेथड और है, देखो दो मेथड है इसके, मेथड टू। इस मेथड में क्या करेंगे हम लोग, हम डोमेन से शुरू करते हैं, x मेरा इस क्वेश्चन का डोमेन है, कहां गया ऊपर, हाँ डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल रियल नंबर है। हाँ भाई ये जो क्वेश्चन था इसमें ना अंडर रूट की प्रॉब्लम है, ना अंडर रूट ने कुछ हटाया, ना डिनोमिनेटर ने कुछ हटाया, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आपका जो डोमेन है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, इंटायर एक्स एक्सिस आपका डोमेन हो गया। इसको पहले थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा, इंफिनिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर इसमें से माइनस कर दूंगा 5, इंफिनिटी में से 5 माइनस करो, चाहे माइनस इंफिनिटी में से 5 माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी इंफिनिटी रहेगा, ये भी माइनस इंफिनिटी रहेगा, और ये आपका वाई से रिप्लेस हो गया, माइनस इंफिनिटी से इक्वल टू नहीं रहेगा। हाँ तो आपका रेंज ऑल रियल नंबर हो गया, सब कुछ इंटायर वाई एक्सेस, ये भी एक मेथड है। ठीक है ना, हम यहां डोमेन से शुरू करते हैं। सर एक कोई और एग्जांपल लेके बता दीजिए फिर से। हाँ मैं अच्छा एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको, देखिए ये है, जैसे देखो ये लीजिए, फाइंड द रेंज ऑफ, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिया जाए, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू, ये इसका रेंज निकाल रहा है, सॉल्यूशन, एफ एक्स को वाई से रिप्लेस कर दो, एफ एक्स को आपने वाई से रिप्लेस कर देना, तो ये वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x के टर्म को एक तरफ ले जाओ, y के टर्म को एक तरफ ले जाओ, तो ये x का एक फंक्शन बन गया, ऐसा लग रहा है जैसे x माइनस वन प्लस टू वाई डिवाइडेड बाई y माइनस, हमने क्या बना दिया, हमने x इज अ फंक्शन ऑफ y बना दिया, समझ में आ गई बात।
अच्छा आप x कब डिफाइन नहीं होगा बताओ जरा, y 1 होगा। यस सर, जब y 1 होगा। यस, x इज नॉट डिफाइंड व्हेन y इक्वल टू 1। इसका मतलब रेंज क्या हुई फिर, किसको y कौन y मतलब y all the real numbers minus 1। यस, कोई रियल नंबर, सब रियल नंबर चलेंगे, बस ये 1 नहीं चलेगा, 1 को हटा दो, बन गया आपका रेंज। ये हो गया, देखिए वो जो सर सेकंड मेथड था उसको, उससे भी एक बार ये वाला करके बता दीजिए। सेकंड मेथड हर जगह काम नहीं करता, फिर ही बता रहा हूं आपको। देखो कभी कभी सेकंड मेथड बहुत बल्की सा हो जाता है, तो मैं बता रहा हूं आपको सेकंड मेथड। फिर भी मेथड टू आपका ये जो एफ एक्स है, आपको ऐसे लिखना है कि एक्स केवल एक जगह हो, है थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ता है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x प्लस टू माइनस थ्री अपॉन, ऐसा लिख सकता हूं भाई? Yes, फिर इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, x प्लस टू डिवाइड बाई x प्लस टू, वन माइनस थ्री बाई x प्लस टू, ऐसा लिख सकता हूं ना? Yes, sir. अच्छा अब ये देखो, हाँ सर समझ में आ रहा है सर, ये क्यों मतलब प्रेफर नहीं किया जाता। हाँ, जहां पर दो तीन बार एक्स आएंगे वहां पर आपको दिक्कत हो जाएगी फिर, सही है ना? अब आपको देखो क्या करना पड़ेगा, देखो आप क्या, आपका डोमेन में भी ब्रेक है, तो आपका जो पहले डोमेन देख लो आप क्या था, एक्स के बारे में हम बात करें जरा, माइनस टू का प्रॉब्लम थी, तो माइनस इंफिनिटी से माइनस टू तक लेना पड़ेगा, टू पे प्रॉब्लम है। अब देखो एक्स लाइज बिटवीन माइनस इंफिनिटी से माइनस टू, फिर एक्स प्लस टू करो, इंफिनिटी में टू ऐड करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इधर ये जीरो हो जाएगा, है कि नहीं? प्लस टू अगर यहां प्लस टू करेंगे जीरो हो जाएगा, फिर इसका रेसिप्रोकल करो, वन अपॉन एक्स प्लस टू, तो जीरो का रेसिप्रोकल आपका माइनस इंफिनिटी हो गया, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल आपका जीरो हो गया, है कि नहीं? फिर आपने माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करो, माइनस थ्री एक्स प्लस टू, तो जीरो का तो जीरो ही रहेगा और माइनस का प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, फिर इसमें वन ऐड करो, तो वन माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू, तो इस साइड आपका वन हो जाएगा, इस साइड आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। अभी देखते जाओ, अब कर लिया है तो आपको पता जाएगा क्यों मैं, तो यहां पर आपका एफ एक्स बन गया, ये देखो वन माइनस, ये एफ एक्स बन गया, नहीं बन गया आपका एफ एक्स बन गया, एफ एक्स वन से लेकर इन्फिनिटी तक ये बना है। उसी तरह से यहां करोगे आप, x belongs to minus 2 से infinity, फिर x plus 2 करोगे तो 0 से infinity, फिर reciprocal करोगे, infinity का reciprocal 0, 0 का reciprocal infinity, फिर minus 3 करोगे, infinity का बन गया minus infinity, 0 का बन गया 0 ही बनेगा, फिर इसमें 1 add करोगे, इन्फिनिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राइट हैंड साइड पे वन आ जाएगा, तो ये आपका जो एफ एक्स बन गया वो क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से वन तक। तो देखो आपका एफ एक्स कहां से कहां तक आया, देखो जरा एफ एक्स मतलब वाई कहां से कहां तक आया, माइनस इन्फिनिटी, देखो माइनस इन्फिनिटी से वन तक और वन से इन्फिनिटी सब आ गया, क्या छूटा केवल भैया, माइनस इंफिनिटी से लेकर वन तक सब कुछ आ गया, और फिर वन से लेकर इंफिनिटी तक भी सब कुछ आ गया, केवल वन छूटा है। देखो तो यानी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी माइनस वन, हाँ तो ये आपका, क्योंकि वन वन को इंक्लूड नहीं किया था हम लोगों ने, इसलिए वन हटा दिया वहां से।
अब देखो यहाँ पर तो बच्चे डोमेन में केवल दो ही दो प्रॉब्लम थे ना, डोमेन पे केवल एक ही प्रॉब्लम था, सॉरी दो भी कहा एक था। अगर एक प्रॉब्लम पर दो बार करना पड़ा, अगर दो प्रॉब्लम होती तो एक दो तीन बार करना पड़ता, ये तो ये बहुत बल्की सा, कभी कभी बहुत बल्की हो जाता है ये, तो अवॉइड करते हैं इस मेथड को। ट्रिग्नोमेट्री में काम आता है ये, बाकी एलजेब्रा में थोड़ा बल्की हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ मेथड तो है, लेकिन तो हम इसको प्रेफर करेंगे एलजेब्रा में, ठीक है ना। एक अब मैं ये तो लीनियर का, तो एक क्वाड्रेटिक का बताता हूं आपको, ये क्वाड्रेटिक का फाइंड रेंज ऑफ, ये ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक की रेंज निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसके आपको दो तीन मेथड बता देता हूं, जितने मेरे को याद आते जाएंगे मैं बताते जाऊंगा आपको। पहला मेथड बिल्कुल वही वाला मेथड, एफ एक्स को रिप्लेस कर दो वाई से, यही वाला मेथड। ये वाला जो मेथड है ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन माइनस वाई इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्वाड्रेटिक x की वैल्यू निकाल दी मैंने, फोर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू। क्या कर रहा हूं मैं, फोर प्लस माइनस अंडर रूट सिक्सटीन माइनस फोर ट्वेल्व, सोलह माइनस फोर ट्वेल्व माइनस फोर वाई अपॉन टू। देखिए x इज ए फंक्शन ऑफ y बनाने के लिए, प्लस फोर आया होगा ना, कौन सा, हाँ प्लस फोर वाई, ठीक है प्लस फोर वाई। क्या किया मैंने, मैं x के टर्म्स में फंक्शन को लिखना होता है ना, लिख दिया x के टर्म में, मैंने किस चीज का इस्तेमाल किया यहाँ पर बताओ, श्रीधर आचार्य को। बस अब देखो, अब x को डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा बताओ, फॉर x टू बी डिफाइंड क्या होना चाहिए बताओ, रूट में 12 प्लस 4y को ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये जो आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अंडर रूट में फंस गया ना ये, तो यहां से आपका 4y ग्रेटर देन माइनस 12, तो y इज ग्रेटर देन माइनस 3। इसका मतलब है कि जो आपकी रेंज होगी वो 3 से बड़ी होनी चाहिए, y बिलोंग्स टू माइनस 3 टू इंफिनिटी 3b, ये आपका रेंज आ गया। पहला मेथड तो ये रहा, पहला मेथड ये रहा। दूसरा मेथड, एफ एक्स को वाई से रिप्लेस करो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन। अच्छा मैं एक चीज कर रहा हूं, आप बताना मैंने क्या किया है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस वन माइनस फोर, क्या किया मैंने बता सकता है कोई, बोलते क्या है इसको, बोलते क्या है सर, आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया सर, आइडेंटिटी। अरे भैया टेंथ क्लास में याद करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, तो वहां पर हम लोग एक चीज पढ़ते थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, याद आया सर, मैंने कहा आपने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया इसको। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर बनाया, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के साथ मेरा पर्पस पता क्या था, मेरा जो एम था पता क्या था, एक्स का टर्म को केवल एक जगह फिक्स करना। अब मेरे पास एक्स के टर्म कितने हैं, केवल एक। अब मैं, मेरे को पता है कि मेरा जो, अब यहां से शुरू करूंगा, एक्स मेरा
माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, डोमेन इस वाले फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर है कि नहीं है? यस सर। बस यहां से शुरू करूंगा, फिर मैं x माइनस टू करूंगा, इन्फिनिटी में से आप कुछ भी माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता इन्फिनिटी को, ये इन्फिनिटी ही रहेगा और ये माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। लेकिन जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो एक बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी, क्या होगी बताओ? सारे नेगेटिव वाले टर्म खत्म हो जाएंगे, है कि नहीं भाई? यस सर। अच्छा इस पर फिर मैं दोनों तरफ क्या करने जा रहा हूं, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर क्या चाहिए था मुझे फंक्शन में, थ्री नहीं है वो टू है, हाँ जीरो लेस देन इक्वल टू क्यों हो गया? अरे भैया जीरो तो होगा ऊपर वाले स्टेप में, सोचो सारे नेगेटिव नंबर के स्क्वायर्स तो पॉजिटिव हो जाएंगे तो जीरो भी तो होगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी पे। ये बताओ आप माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी के बीच में कहीं जीरो आएगा? Yes, उसका उसका स्क्वायर क्या होगा? ठीक है ना, तो x माइनस टू का स्क्वायर माइनस थ्री, इस तरफ आपका माइनस थ्री आ गया, इंफिनिटी से माइनस थ्री करने का कोई मतलब नहीं होता, तो ये x माइनस टू का क्या हो रहा है, तो ये आपका एफ एक्स बन गया समझ लो सीधे ही, इस तरफ आ गया माइनस थ्री, इस तरफ आ गया इंफिनिटी, क्या होगी रेंज? माइनस थ्री टू इंफिनिटी। ये देखो कंप्यूटिंग द स्क्वायर क्वाड्रेटिक में बड़ा काम आता है, ठीक है ना? यहां पर एक चीज लिखो, मैंने शायद पिछले क्लास में बताया था आपको, आपको या नहीं बताया, देखो एक चीज नोट लिख लो, जहां जहां पर कोई नई चीज आएगी नोट लिखवा दूंगा मैं आपको। देखो हाउ टू स्क्वायर एन इनइक्वालिटी, बताया था क्या? मुझे ऐसा लग रहा है बताया था मुझे, इनइक्वालिटी को कैसे स्क्वायर करते हैं, तीन केस, एक्स इस तरफ ए इस तरफ बी, अगर आपको स्क्वायर करने की जरूरत पड़े तो इस तरफ ए का होल स्क्वायर इस तरफ बी का होल स्क्वायर कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड, अगर यहां पर माइनस ए हो और यहां पर माइनस बी हो और अगर आपने स्क्वायर करना हो तो क्या करते हैं, दोनों माइनस हैं, ये लेफ्ट वाला स्क्वायर राइट में आ जाता है और राइट वाला स्क्वायर लेफ्ट में आ जाता है। तीसरा, अगर एक्स आपका माइनस ए से लेकर प्लस बी की तरफ हो तो जब आप स्क्वायर करोगे इसका तो ये जीरो से कहानी शुरू होगी और या तो ए स्क्वायर आएगा या तो बी स्क्वायर आएगा, विच एवर इज ग्रेटर। ये मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में, मुझे लग रहा है ये देखिए, ये मैंने ये लगाया स्क्वायर करके, जीरो कहां से आया समझ में आया आपको? जब लेफ्ट वाले में नेगेटिव था राइट वाले में पॉजिटिव था तो स्क्वायर करोगे तो बीच में जीरो से शुरू होगी कहानी, नेगेटिव नंबर तो सारे कट जाएंगे स्क्वायर करने पे। ये मैंने हाउ टू रेसिप्रोकली बताया था आपको सर, नहीं ये सब रह गया था, ये सब नहीं बताया था। अच्छा तो लिख लो फिर, अभी याद आ गया तो लिख लेते हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं, कई बार हम लोगों को नहीं पता होती हैं तो भारी लगती हैं, अदरवाइज तो बेसिक चीजें ही हैं, कोई बात नहीं। हाउ टू टेक रेसिप्रोकल्स, हाउ टू टेक रेसिप्रोकल ऑफ इनइक्वालिटी,
अगर आप किसी इनइक्वालिटी को रेसिप्रोकल करना चाहते हो तो कैसे होगा? ठीक है ना, इसके भी तीन, ये थोड़ा सा इसके भी तीन केसेस आएंगे। पहला केस, अगर x आपका a से b तक हो तो अगर आपको इसको रेसिप्रोकल करना हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा और लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा। सही है, मतलब इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। हाँ, रेसिप्रोकल। देखो एग्जांपल, देखो ना आप एग्जांपल देखो, ये बताओ 1 बड़ा है कि 100 बड़ा है? कोई कहने वाली बात है? 100 100 जरा रेसिप्रोकल करो, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, 100 का रेसिप्रोकल 1/100 हो जाएगा, कौन सा बड़ा हो गया बताओ? 1/1। बस ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। फिर एक सेम, फिर वो उस वाले उस ऊपर वाले का भी एग्जांपल लेके बता दीजिए। आप लो ना एग्जांपल यार, अभी बता देता हूँ, चले रुकिए पहले इसको पूरा कर लेते हैं फिर हैं, फिर बता देता हूँ ऊपर वाले। दूसरा, अगर एक तरफ नेगेटिव हो और दूसरी तरफ भी नेगेटिव हो ऐसे, तब आप रेसिप्रोकल करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये -1/b इधर, ये -1/a इधर, कोई दिक्कत नहीं। ये है प्रॉब्लम की जड़, यहां पर आएगी प्रॉब्लम। एक तरफ नेगेटिव हो, एक तरफ पॉजिटिव हो, तब रेसिप्रोकल नहीं कर सकते आप। ठीक है ना, तब प्रॉब्लम आ जाएगी। 0 इज इन साइड द इंटरवल, 0 आपके इंटरवल में है। रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। तो क्या करेंगे, माइनस ए से पहले इसको 0 पर तोड़ेंगे, फिर उसको 0 से लेकर बी तक तोड़ेंगे और अलग अलग रेसिप्रोकल करेंगे 1/x। अब 0 का रेसिप्रोकल -∞ और a का रेसिप्रोकल -1/a, और यहां पर 1/x करेंगे तो 0 का रेसिप्रोकल राइट में बनके इंफिनिटी आ जाएगा और b का रेसिप्रोकल लेफ्ट में आ जाएगा 1/b। तो आपको ऐसे रेसिप्रोकल करना पड़ता है इसका, जब एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव हो। सही है, मतलब आपके ब्रांचेस बन जाते हैं, दो ब्रांचेस बन जाते हैं। और क्यों सर, माइनस इनफिनिटी और प्लस इनफिनिटी क्यों हुआ अलग अलग केसेस में? 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है बताओ? अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि 0 का रेसिप्रोकल यहाँ नेगेटिव क्यों हुआ, यहाँ पॉजिटिव क्यों हुआ, ये कह रहे हो? हाँ सर। अच्छा अब देखो भैया, मैं 0 नहीं हूं, 0 के लेफ्ट में हूं। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? नेगेटिव का रेसिप्रोकल कैसा आना चाहिए? फिर आप 0 के थोड़ा पीछे हो तो रेसिप्रोकल नेगेटिव का रेसिप्रोकल कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, इसीलिए माइनस इनफिनिटी आया। अच्छा, ये वाला आप 0 पे नहीं हो, याद रखिएगा, आप 0 पे इक्वल टू थ्री लगाया मैंने, 0 को तो एक्सक्लूड कर दिया है, 0 इसके अंदर है, राइट पे, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इनफिनिटी। क्लियर? पॉजिटिव, यस सर। चलिए ऊपर वाले पे आते हैं। ऊपर वाला आप कह रहे थे एग्जांपल दिखा देना। हां सर। किस वाले का एग्जांपल दिखाऊं, थर्ड वाले का दिखाऊं? हां सर, थर्ड वाले का एग्जांपल देता हूं आपको।
कोई नंबर ले लेते हैं x माइनस थ्री से बड़ा और फाइव से छोटा, मुझे एक्स स्क्वायर करना है। अब देखो नंबर लाइन पे आओ थोड़ा सा, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, ये आपका एक्स है। अब एक्सक्वायर करते हैं, एक एक करके एक्सक्वायर करते हैं। नीचे आप एक्सक्वायर करने जा रहे हो, ये बताओ माइनस थ्री का स्क्वायर क्या होगा? नाइन सर। आपको नाइन मिल जाएगा। माइनस टू का स्क्वायर क्या होगा? आपको फोर मिल जाएगा। माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा? वन मिल जाएगा। जीरो का स्क्वायर क्या होगा? जीरो मिल जाएगा। फिर वन का स्क्वायर वापस वन, फिर टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव। क्या मिला आपको? लेफ्ट हैंड साइड पर आपको जीरो मिला, राइट हैंड साइड को आपको क्या मिला? थ्री का स्क्वायर मिला कि फाइव का स्क्वायर मिला? सर फाइव, बड़े वाले का स्क्वायर मिलता है। तो मैंने लिखा हुआ है व्हिच एवर इज ग्रेटर उसका स्क्वायर, व्हिच एवर इज ग्रेटर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में जो भी बड़ा है वो लिख लेना है आपको। सही है, क्लियर है मेरे ख्याल से? यस सर, यस सर। इसको हटा दो यहां से, हटा दिया। यस यस सर। हाँ तो ये हो गया, किस तरह से रेसिप्रोकल लेते हैं, किस तरह से स्क्वायर लेते हैं। तो मैं कहाँ था, वापस ऊपर आता हूं मैं। अच्छा, आपने एक पूछा था कि वो स्क्वायर कैसे लिया आपने, तो मैंने उसी के लिए ये वाला जो स्क्वायर था ना, ये वाला, ये जो x माइनस टू था, नेगेटिव इस तरफ नेगेटिव था, इस तरफ पॉजिटिव था, जब स्क्वायर करूंगा तो नेगेटिव वाले सारे खत्म, जीरो से शुरू हो जाएगी कहानी, है ना, समझ रहे हो? हाँ, समझ गए। दो मेथड मैंने